फूलों की बारिश के साथ स्वागत। काशी विश्वनाथ में पूजा, घाट पर गंगा आरती, होलिका के साथ उड़ा गुलाल। काशी में प्रियंका की एक एक तस्वीर में रंग है। ये रंग होली के नहीं, सियासत के हैं। काशी के धार्मिक और सियासी महत्व को समझते हुए प्रियंका घाट से लेकर मंदिर तक गई। प्रियंका अस्सी घाट पहुंची तो उनका शानदार स्वागत हुआ। घाट पर समर्थकों ने साड़ी भेंट की। काशी की गलियों में प्रियंका ने रोड शो भी किया। कमजोर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रियंका ने हर वो दांव आजमाया जो लोगों को खींच लाए। सत्ता जिसके सर पे चढ़ जाती है ना, उनको दो गलत फहमियाँ होती हैं। पहली ये कि जनता को गुमराह करना आसान है, और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं। हम बिल्कुल डरते नहीं हैं, वो चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। समर्थकों के साथ प्रियंका ने होलिका की पूजा भी की, गुलाल उड़ाकर अपनी श्रद्धा जताई। प्रियंका बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी पहुंची, वहां विशेष पूजा अर्चना की। काशी के घाट घाट जाकर प्रियंका ने वाराणसी की नब्ज को टटोला। नाव में बैठकर उन्होंने मछुआरों महिलाओं से बात की। लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। प्रियंका गांधी काशी के साथ ही अपनी 3 दिन की नाव यात्रा को खत्म करेंगी। 3 दिनों में प्रियंका ने मंदिर से लेकर मजार तक अपनी हर जगह उपस्थिति दर्ज करवाई। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में प्रियंका का ये सियासी शो कितने वोट खींच पाएगा।